नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे जहां पर भी होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 योगासन जो हम नित्य अभ्यास कर सकते हैं, जिसकी प्रैक्टिस हम लगभग डेली कर सकते हैं। और ये 5 सरल आसन लगभग सभी लोग कर सकते हैं, पर फिर भी अगर आपको कोई भी शारीरिक परेशानी है या आपके अंदर कोई भी बीमारी है, तो आप अपना योगा अभ्यास शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो 5 सरल योगासन जो कि अगर हम रोज अभ्यास करें तो वो हमारे जीवन में धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े बदलाव ला देंगे। हमारा सबसे पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन के लिए हम अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके और अपनी हील्स के ऊपर अपने हिप्स को रखते हुए पूरी तरीके से कम्फर्टेबल, आप अगर कंफर्टेबल नहीं भी हैं तो एक बार अपने घुटनों पर आते हुए वापस पीछे की ओर बैठें, ताकि आपके पैर की सारी मसल्स बराबर स्ट्रेच हों, आपके पैर का अंगूठा एक दूसरे से टच, हील्स बाहर की ओर निकली हुई। इस अवस्था में हम अपने समय अवधि को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम अपने टाइम ड्यूरेशन को इस पोजीशन में बढ़ाएंगे। तो आप 1 मिनट से शुरू करके 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और धीरे धीरे कोशिश करें कि आप कम से कम 5 मिनट तक इस आसन में बैठ पाए। हमारा दूसरा आसन है शशांक आसन। शशांक आसन के लिए हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हम अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर पूरा स्ट्रेच करें। इनहेल, सांसों को अंदर भरें और सांसों को बाहर की ओर छोड़ते हुए आप अपने पेट को, अपनी थाइस पर, सीने को अपने घुटने के पास, पीछे अपने हिप्स को पीछे अपने हील्स पर रखने की कोशिश करें। अपने हाथों को आगे सामने की ओर स्ट्रेच करें और अपने चिन को नीचे। शशांक आसन भी हम 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एक बार में होल्ड कर सकते हैं। 3 से 4 राउंड हम शशांक आसन के भी कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने समय ड्यूरेशन को, जो हमने शुरुआत करी थी 5 से 10 सेकेंड के लिए, उसको हम धीरे धीरे 10 से 15, 15 से 20 सेकेंड तक बढ़ाते रह सकते हैं। हमारा तीसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम अपने मैट पर सीधे आए और पूरी तरीके से अपने मैट पर लेट जाएं। अपने हाथों को हमें अपने चेस्ट के पास रखना है, चिन को आगे लगाएं, दोनों पैर हमारे साथ में पीछे। अभी हम इनहेल करते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, धीरे धीरे अपनी गर्दन को, अपने चेस्ट को स्ट्रेच करते हुए ऊपर और पीछे की ओर होल्ड करेंगे। यहाँ पर रुके, यहाँ पर थोड़ी देर 5 से 10 सेकंड तक अपनी पीठ को अंदर की ओर दबाए, पेट को पूरा स्ट्रेच होने दें, गले तक, गर्दन हमारी पीछे, शोल्डर्स डाउन, नेक अप। होल्ड करने के बाद वापस नीचे और हाथों को अपने साइड्स में रखते हुए पूरा आराम। हमारा चौथा आसन है पदोत्तानासन। पदोत्तानासन के लिए आप अपने मैट पर सीधे लेट जाएं, दोनों पैर हमारे साथ में, हमारे हाथ हमारे साइड्स में, हमारी हथेलियां नीचे की ओर। इसमें हम अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएंगे 90 डिग्री पर, अपने टेल बोन को नीचे रहने दें, दोनों पैर हमारे सीधे और हमारे पैरों की उंगलियां हमारे तरफ। होल्ड करेंगे यहां पर 5 से 10 सेकेंड तक और फिर नीचे। पदोत्तान आसन भी हम 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 सेकंड तक इसको 3 से 4 बार तक कर सकते हैं बहुत ही आराम से। हमारा पांचवा आसन है शवासन। जब भी हम योगा करते हैं, योगा करने के बाद शवासन, यानी हम बिल्कुल फ्रीली आराम से लेट जाएं अपने मैट पर, अपने हाथों पैरों को बिल्कुल फ्री छोड़ते हुए एक दूसरे से थोड़ा सा दूर और पूरी तरीके से आराम की स्थिति में, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे लंबा गहरा सांस, अपने लंग्स, अपने फेफड़ों तक भरना है, अपने पेट तक, अपने शोल्डर्स एंड अपर चेस्ट, वहां तक पूरी हवा को भरे एंड देन स्लोली रिलीज इट आउट, धीरे धीरे हवा को पूरी तरीके से बाहर, अपनी सांसों पर पूरा कंट्रोल। तो अगर आप ये 5 आसन 5-5 मिनट करते हैं तो आपका आधे घंटे का योगा आसन, योगा अभ्यास पूरा हो जाएगा। योगासन करने के बाद
हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो आएगा कल। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो नित्य योगा अभ्यास के ऊपर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल प्राणायाम वीडियो के साथ में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद एंड टेक केयर।